सनातन धर्म कहता है कि जैसा अन्न वैसा मन, और इस बात को सिर्फ शास्त्र नहीं बल्कि अब साइंस ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च में बताया गया है कि हम जैसा खाते हैं उसका सीधा असर हमारे दिमाग की रचना और कार्य पर ही नहीं बल्कि हमारे मूड और सोचने और समझने की शक्ति पर भी पड़ता है। और यही बात 200 साल पहले हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण ने भी कहा है कि व्यक्ति जैसा भोजन करता है वैसा ही उसका अंतकरण यानी कि मन और बुद्धि और शरीर बन जाता है, इसलिए शुद्ध और सात्विक आहार ही लेना चाहिए। तो याद रखिए, अगर आप परिवार, देश और विश्व में शांति चाहते हैं तो शुद्ध मन जरूरी है, और शुद्ध मन शुद्ध और सात्विक भोजन से संभव है। जय स्वामी।